अभी आपको उठा के दिखाते हैं। ये देखिए भैया हिल ही नहीं रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं, हिल ही नहीं रहा है। ओ माय गॉड, पूरा गांव में हम लोग आ गए, देख ली इधर से चलते हुए आए थे। ये जो नदी है क्या है, ये क्या है? जैसे इस नदी में जो रानी पोखर नदी और ये नदी, इसके बीच में अटैच है अंदर ही अंदर सुरंग के टाइप, और इस नदी में सात वो मतलब इंडा है। आप लोगों को इसका लोकेशन कैसे पता चला? हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम मैं वैशाली में हूँ, बेलाकुंड में, और यहाँ शिव जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू बना हुआ है, एकदम गांव के अंदर है। तो आपको दिखाते हैं गाइस वो स्टैचू, थोड़ा आसपास से आपको दिखाएंगे, यहाँ से देखिए एंट्री है, तो अंदर आपको लेके चलते हैं, अच्छा से आपको दिखाएंगे मूर्ति। तो एंट्री में गाइस यहाँ आप लोग देखिएगा मंदिर है, इसी के बगल में ये देखिए, ये रहा सबसे बड़ा शिव जी का स्टैचू जो बन रहा है। तो यही गाइस वो स्टैचू भगवान शिव का, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है। आपको ड्रोन व्यू में दिखाऊंगा अभी, तो देखिएगा कितना पास से दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पूरा वैशाली जिले के गांव में इसको एकदम बनाया गया अंदर, भाई बहुत अंदर तक है। तो आप लोग अंदर आने का सोचे तो बहुत एकदम अंदर तक एकदम ड्राइव करते हुए आना होगा। लोकेशन तो मैं वो डायरेक्ट बता नहीं सकता हूँ, बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए। भाई लोग यहाँ पर देखिए, उनसे पूछते हैं क्या भाई, उनसे पूछिए ना। देखिए हाँ, थोड़ा बताइए क्या ये मूर्ति कब से बन रहा है? बहुत पहले से बन रहा है। अच्छा, और बहुत ही अच्छा मूर्ति बन रहा है। आप लोग को इसका लोकेशन कैसे पता चला? हमको सुनने में आया था, तो आए। कहाँ के रहने वाले हैं? दयालपुर। तो वहाँ से यहाँ आए हैं? यहाँ। अच्छा, यहाँ क्या फोटो सेल्फी ले रहे हैं क्या? हाँ, फोटो खींचने आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है मूर्ति इतना बड़ा बन रहा है, उसके बारे में क्या बोलिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मूर्ति है। चलिएगा तो भाई लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं फोटो लेने के लिए स्पेशल यहाँ पर, और बहुत ही ज्यादा अंदर है ना भैया, बहुत ही ज्यादा अंदर है। तो आप लोग आ रहे हैं भैया तो एकदम सोच कर आपको आना पड़ेगा। चलिएगा तो ऊपर से आपको पास से दिखाएंगे, देखिएगा अभी काम वगैरह चल रहा है, अंदर चल के देखते हैं मूर्ति और है कि नहीं। शिव भगवान का तो बहुत ही एकदम विशाल स्टैचू हम लोग को देखने को मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर स्टेयर इसका, देख लीजिए आप लोग, अभी कंप्लीट हुआ इसको, अभी साल लगने वाला है। गाइस तो ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर तो हम लोग को पूरा खाली दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं अंदर, अंदर का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए पूरा अभी खंडर है, ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा। नीचे भी जाने के लिए है, ऊपर जाने के लिए यहाँ से स्टेयर बना हुआ है पूरा, अच्छा से देख लीजिए अंदर पूरा खाली है, कुछ भी अभी नहीं है। तो डेली आप लोग गाइस कुछ नया व्लॉग लेकर आता हूँ, फिर से ये स्पेशल व्लॉग लेकर। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया इस एरिया का, वो लगता है यहीं पर गांव ही यहाँ बगल में कहीं रहते हैं, तो थैंक यू, उनका नाम राजेश है, तो थैंक यू राजेश जी। गाइस हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आके देखिए, पूरा एकदम खाली है, यहाँ भी काम चल रहा है, देख लीजिए पूरा आपको अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। और सामने से हम लोग आए, देखिए पूरा गाँव ही है भाई यहाँ पर, ऊपर से दिखाएंगे तो अंदर देख लीजिए एकदम खाली खाली है, कुछ भी नहीं है, अभी अंदर काम चल रहा है। चलिए इसको ऊपर भी लेके आपको चलते हैं गाइस, देखते हैं कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। देख लीजिए गाइस त्रिशूल यहाँ पर रखा हो, कितना भारी है भाई, हिलने वाला नहीं है, अभी आपको उठा के दिखाते हैं। ये देखिए भैया हिल ही नहीं रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं, हिल ही नहीं रहा है, पांच छह आदमी पड़ेगा तब भी नहीं हिलेगा, इतना भारी है। और ये देख लीजिए साइड में यहाँ पर डमरू, आप लोग देख सकते हैं ये डमरू को, देखते ये भी हल्का हिल रहा है क्योंकि ऐसे है इसलिए, लेकिन बहुत भारी भैया, अकेले नहीं उठने वाला है। यहाँ से आप लोग नीचे का व्यू देख लिए गाइस, ओ माय गॉड, पूरा गांव में हम लोग आ गए, देख लीजिए इधर से चलते हुए आए थे, तो पूरा इलाका एकदम गांव है, गांव के अंदर एकदम इसको बनाया गया है। सामने आप लोग झील देख रहे होंगे, तो ये देख लीजिएगा जो रुद्राज का माला के लिए भी गोल गोल सा जो मोती वाला बन रहा है इसमें बनता है, देख लीजिए ये रहा इसका बनाने के लिए। और ये देख लीजिए यहाँ पर काम चलता है, इसी से बनता है, इसमें हाथ डाल दिएगा तो फंस जाएगा, एकदम सट जाएगा, फिर निकलेगा नहीं, इसलिए मजाक मत करिएगा अगर कोई यहाँ पर आ रहे हैं तो। ये जो नदी है क्या है, ये क्या है? जैसे इस नदी में जो रानी पोखर नदी और ये नदी, इसके बीच में अटैच है अंदर ही अंदर सुरंग के टाइप, और इस नदी में सात वो मतलब इंडा है। अच्छा हाँ, मूर्ति कितना फीट का, कुछ आइडिया आपको? मूर्ति शायद कम से कम 200-300 फीट से ऊपर ही होगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? अभी कम से कम, हाँ अभी कम से कम 3-4 महीना है, अभी कम से कम 3 साल से काम चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, मतलब अगले साल हम लोग के लिए देखने को मिलेगा। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं अभी काम चल रहा है, बहुत ही ऊंचा है भाई, 152 फीट इसका दिखा रहा है, ऐसे गूगल पे तो सर्च करने पे यही दिखा रहा है, कोई बोल ले 200 फीट, बट जितना ही फीट हो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बिहार में इतना बड़ा हम लोग को, समझ इंडिया का सेकंड स्टैचू शिव भगवान का इतना बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये गाइस बिहार का समझिए, ये पहला हम लोग को इतना बड़ा स्टैचू दिख रहा है, और दूसरा समझिए इंडिया में ये दूसरा सबसे बड़ा स्टैचू है। पीछे आप लोग बैकग्राउंड देख लिए, पूरा गांव का एकदम सीन हम लोग को मिल रहा है, खेत वगैरह पूरा दिख रहा है, एकदम छुपा कर इसको समझिए बनाया गया भैया, मुझे पता नहीं लोग यहाँ पर आएंगे कैसे, बहुत ही अंदर है, बहुत ज्यादा अंदर है। तो डायरेक्ट आपको अगर दिखाते भी तो चलेंगे बाइक से तो आपको नहीं पता चलेगा, एकदम अंदर अंदर आपको आना पड़ेगा। तो यही है शिव जी का स्टैचू, 152 फीट का है, बहुत ही ज्यादा
बड़ा है, विशाल है, वैशाली में है ये, समझिए बिहार का पहला इतना बड़ा स्टैचू हम लोग देख रहे हैं। और शिव जी के सबसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं जटा में, वो गंगा मैया है, तो उनको ही बनाया गया है। देख लीजिए पूरा 360 व्यू आपको घुमा के दिखा रहे हैं, एकदम गाँव के बीच में इसको बनाया गया, बहुत ही ज़्यादा अंदर है भाई। आते आते बस समझिए तो हालत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर, बहुत ज़्यादा ग्लास फाइबर आइटम से गाइस ये बनाया गया, देख लीजिए शिव जी वही है, मतलब पक्का पूरा पत्थर का नहीं इसको बनाया गया शिव जी को, बाकी नीचे का जो आप लोग बैठने वाला ये देख रहे हैं वो बना हुआ है। गाइस आपको दिखा रहे थे अंदर से शिव जी का, देखिए पूरा अंदर आप लोग देख, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख लीजिए एकदम खोखला है, देखिए पूरा सपोर्ट पर है, देख लीजिए गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं सपोर्टिंग के लिए है, ये हमेशा रहेगा, ये हटेगा नहीं, ये वाला जो आप जो पिलर सब देख रहे हैं सपोर्टिंग के लिए, बाकी उधर जो था मैंने आपको दिखाया ये सब पतला पतला लोहा वाला ये सब हट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब भाई स्टैचू एकदम शिव जी का हम लोग को देख रहे हैं, बिहार में पहली बार इतना बड़ा देख रहे हैं, पूरा बन जाएगा तो मैं फिर से वापस आऊँगा, कम से कम मतलब बोलेगा अगले साल तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस इधर से नीचे हम लोग आ गए, सबसे नीचे देखिएगा, देखिए शिव भगवान का यहाँ पर मूर्ति है, देख लीजिए ये भी काफ़ी खूबसूरत है, ये रहा शिवलिंग, जय शिव शंकर, वाह बहुत ही ज़्यादा भी खूबसूरत है गाइस, यही समझ यही एकदम सबसे बड़ा में बन रहा है, और ये भगवान शिव हम लोग के नीचे हैं, बहुत ही शानदार खूबसूरत है गाइस ये, तो मतलब जितना बोले उतना कम है, मेरे को तो खुद विश्वास नहीं हो रहा बिहार में इतना बड़ा स्टैचू एकदम गाँव के अंदर बन रहा है वैशाली में। लोकेशन वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो फाइनली गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।